हमारा चैप्टर चल रहा है एरिया रिलेटेड टू सर्कल का और क्वेश्चन 7 तक हमने कवर करके रखे हैं एक्सरसाइज 12.3 का। अब क्वेश्चन 9 का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए 9 क्या है, इन फिगर 12.27 ए बी एंड सी डी आर टू डायमीटर ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड ओडी इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल इफ ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर फाइंड द एरिया ऑफ सेडेड रीजन। ये ए बी और सी डी आपके ये दो सर्कल का डायमीटर है, यानी कि ए बी आपका सर्कल का डायमीटर है और सी डी भी आपका सर्कल का डायमीटर है। अगर ए बी जितना आपका होगा उतना ही आपका सी डी होगा। तो आपके पास में गिवेन है ओ ए इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, तो ओ ए 7 सेंटीमीटर है तो ए बी कितना हो जाएगा 14 और सी डी भी आपका उतना ही होगा। तो हमें इसकी एरिया फाइंड आउट करना है जो सेडेड आपका पोर्शन है, राइट। सॉल्यूशन वी हैव गिवन डायमीटर ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा आपका 14 अपॉन 2 इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ एरिया ऑफ द शेडेड रीजन, इक्वल टू एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल, और अगर हम इस सेमी सर्कल को प्लस कर देते हैं और माइनस कर देते हैं ट्रायंगल का, तो हमारा शेडेड पोर्शन का एरिया पता चल जाएगा। तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल प्लस एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए इसकी पूरी डाया कितनी है 7, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7 अपॉन 2, तो एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर प्लस सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर माइनस हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल का होता है फॉर्मूला ये, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं पाई का 22/7 इंटू रेडियस कितनी है आपका स्मॉल सर्कल का 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 आर स्क्वायर मैं नहीं लिखता हूँ, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ आर स्क्वायर के प्लेस पे, अगर 7/2 का स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिख देता हूँ मैं 7/2 7/2, इसमें कंफ्यूज होने होनी चाहिए, प्लस हाफ पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आपका कितना है 7/7 माइनस हाफ इंटू, अब देखिए बेस ए बी कितना 14 होगा आपका और हाइट 7, देखिए कैंसिल कर रहा हूं मैं 7 से 7 कैंसिल, 2 1 जा 2 और 2 11 जा 22, यहां से आपका 11 टाइम्स ये 7 कैंसिल हो जाएगा, यहां से आपका ये 7, तो
फाइनली जो जो बचा उसको मैं लिख देता हूँ यहां से, आपका 11 × 7/2 + 11 × 7 − 7 × 7, तो ये आपका 77/2 + 77 − 49, इसे मैं डिवाइड कर रहा हूँ तो 38.5 + 77 में 49 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा मैं, 49 तो वन कैरी दे दूंगा, तो ये 17, 17 में 9 तो 8 और 6 में 4 तो 28, इसे ऐड करेंगे तो कितना हमारा मिल जाएगा, ऊपर में सॉल्यूशन कर देता हूं मैं, एट एट आपका 16 का 6 और 5 और 2 और 1 6.5 cm² ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 10। एक क्वेश्चन मैं कॉपी नहीं कर रहा हूँ, जो जो गिवन इंफॉर्मेशन है वो मैं लिख लूंगा, सॉल्यूशन करवा दूंगा आपको, और फिगर भी नहीं बना रहा हूं मैं। तो द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी इज 17,320.5 cm² विथ ईच वर्टेक्स ऑफ ट्रायंगल एज अ सेंटर। अ सर्कल इज ड्रॉन विथ रेडियस इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल एज शोन इन फिगर। फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। देखिए आपके 3 सर्कल बने हुए हैं और उसके इंटरनल पार्ट में आपका एक ट्रायंगल ड्रॉ है, तो हमें उसकी एरिया फाइंड आउट करना है, जो 3 सर्कल के बीच में गैपिंग है वो एरिया कितनी है वो फाइंड आउट करना है। अच्छा, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल आपका गिवन है, ठीक है, तो सॉल्यूशन हमें करना है इतनी ही इंफॉर्मेशन से। वी हैव given area of equilateral triangle equal to have का 17,320.5 cm² और root 3 की value आपके पास में है 1.73205 और पाई इक्वल टू 3.14 यूज करना है। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखिए एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल में यहीं से डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर देता हूं, क्या होता है √3/4a² सबसे पहले हम साइड फाइंड आउट करेंगे तो इजी से रेडियस निकाल सकते हैं, तो a² इक्वल टू 17,320.5। देखिए 4 आपका डिवाइड में है तो राइट पे जाने के बाद ये आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और √3 आपका मल्टीप्लाई में है तो ये आपका डिवाइड में आ जाएगा, तो a² इक्वल टू 17,320.5 × 4/4। देखिए √3 की वैल्यू है हमारे पास 1.73205, इसकी पॉइंट जब हटाऊंगा मैं तो हमें कितने जीरो मिल जाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 10। ये जीरो और जीरो कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएगा आपका और ये कैंसिल हो जाएगा, तो a² इक्वल टू कितना आ जाएगा, 4 × 10,000, तो a इक्वल टू रूट, देखिए स्क्वायरिंग जब मैं लेफ्ट से हटाऊंगा तो राइट पे आपका रूट बढ़ जाएगा 4 × चलो मैं इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये आपका 40,000 आ जाएगा। a इक्वल टू, देखिए 40,000 का जो रूट होता है वो होता है 200,
तो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका भी डायमीटर आया, रेडियस नहीं है। तो आर इक्वल टू 200 अपॉन 2 इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। देखिए 100 सेंटीमीटर हमारा आ गया, तो हम एरिया बहुत इजी से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ एरिया ऑफ शेडेड रीजन इक्वल टू एरिया ऑफ इक्वी लेटरल माइनस थ्री सेक्टर, थ्री इंटू एरिया ऑफ सेक्टर ले लीजिए, ठीक है। देखिए थ्री सेक्टर बन रहा है यहां से आपका, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल हमें पता है, चलिए वैल्यू पुट करते हैं इसके। तो 17,320.5 माइनस 3 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, तो ये 17,320.5 माइनस 3 इंटू सेक्टर आपका कितने का होगा, 60 डिग्री का, 60 अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू गिवन है 3.14 इंटू रेडियस कितनी है 100, तो 100 का स्क्वायर। ऐसा करता हूं मैं इधर रफ कर देता हूं, सबसे पहले यहां कैंसिल कर दो, 0 0, 6 1 जा 6 6 6 जा 36 और 3 1 जा 3 3 2 जा 6 2 1 जा 2 और ये आपका 1.57। तो 17,320.5 माइनus 1.57 इंटू 100 इंटू 100, देखिए यहाँ से पॉइंट हटा रहा हूँ मैं, तो ये 100 ये 100 ये 100 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो 17,320.5 माइनus 15,700। चलिए तो सब्ट्रैक्ट करते हैं इसको, इधर मैं कर देता हूँ 17,320.5 राइट, और ये है आपका 15,700 पॉइंट जीरो कंसीडर कर लेता हूँ यहाँ पे, तो ये आपका 502, 13 में 7 तो 6 और 16 में 15 तो 1, पॉइंट है पॉइंट यहाँ लगाइए, तो फाइनली आपके पास में आ जाएगा 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन हुआ। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 11। देखिए क्वेश्चन 11 क्या है, ऑन स्क्वायर हैंडकरचीफ 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर आर मेड, सी फिगर 12.29, फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ। देखिए आपका एक हैंडकरचीफ है जो स्क्वायर शेप में है और उसमें 9 सर्कुलर आपके डिजाइन बने हुए हैं और एक सर्कुलर का आपका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो हमें उसकी रिमेनिंग पोर्शन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो आइए इनका सॉल्यूशन देखते हैं, सॉल्यूशन वी हैव गिवन ईच रेडियस ऑफ सर्कुलर डिजाइन इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है 9 सर्कुलर है, ठीक है, तो एक सर्कल का आपका रेडियस गिवन है 7 सेंटीमीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा 14 सेंटीमीटर, तो 9 है तो 3 आपके रो में होगा और 3 आपका कॉलम में होगा,
तो टोटल आपका साइड कितने का हो जाएगा? अगर हम साइड देखें तो आपका हो जाएगा 14 प्लस 14 प्लस 14 इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, ठीक है? तो साइड इक्वल टू 42 सेंटीमीटर, राइट? नाउ एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हैंडकरचीफ, इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 9 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। देखिए रुमाल में 9 बने हुए हैं, सर्कल इसलिए मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई आर स्क्वायर। सर्कल का साइड है आपका 42 का स्क्वायर माइनस 9 इंटू पाई का 22 अपॉन 7, और रेडियस आपका कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर। देखिए 42 का स्क्वायर कितना होता है आपका, यहां मैं मल्टीप्लाई करके दिखा देता हूँ। 42 इंटू 42, 2 टू ज 4, 4 टू ज 8, 4 टू ज 8 और 4 4 ज 16, तो ये आपका 4 6 7 1 1764 1764 माइनस 9 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू 7 इंटू 7, ये और 7 7 कैंसिल हो जाएगा आपका, तो ये 1764 माइनस 9 इंटू, चलो 9 और 7 को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 63 इंटू 22, 63 इंटू 22 को मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टू ज 6 और 6 टू ज 12, 3 टू ज 6, 6 टू ज 12, तो आपका ये 6 8 3 1, राइट? तो 1764 माइनस 1386, तो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, 1764 माइनस 1386, तो 14 में 6 8, यहाँ पे आपका 5 बचा हुआ, 5 फिर कैरी से लूंगा मैं, तो ये 15 बन जाएगा, 15 में 8 तो 7, और यहाँ पे आपका बचा हुआ कितना है? 16, 16 में आपका 13 चला जाएगा तो बचेगा 3, तो फाइनली कितना आ रहा है आपका? 378 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर।